एक्चुअली में क्या है, मेरी डिस्कवर 100 है, उसका इंजन सीज हो गया था, तो मैंने क्या सोचा कि उसको मैं 135 में कन्वर्ट कर देता हूँ। पर कन्वर्ट करने के लिए जब मैंने देखा तो जो स्टड होते हैं हेड के, तो उनका जो डिस्टेंस था 100 के हेड का और 135 के हेड और ब्लॉक का बिल्कुल सेम था। तो मैंने क्या किया कि जंक यार्ड से जाके 4 वॉल वाला पल्सर 135 का हेड परचेज़ कर लिया। वो मेरे को करीब पड़ा था 1200 रुपये का, पुराना हेड था, उसमें वॉल्स और कैमशाफ्ट्स वगैरह सब कुछ लगी हुई थी। लेकिन जब मैं उसको लेके आया और जब मैंने अपना इंजन खोला, तो मेरे को पता ये चला कि जो कनेक्टिंग रॉड्स हैं उनमें फ़र्क है। पल्सर 135 की कनेक्टिंग रॉड में जो ऊपर गजन पिन लगता है पिस्टन का, वो 14 mm का, और मेरी बाइक का 12 mm का है। तो मैंने कहा कोई इशू नहीं है, मैं क्रैंक में जो कनेक्टिंग है वो 135 का डाल दूंगा अपनी क्रैंक में। फिर जब मैंने अपनी 135 के लिए कनेक्टिंग लेके आया और अपनी 100 की क्रैंक खुलवाई, तो मेरे को ये भी पता लगा कि जो मेन पिन है क्रैंक की, वो भी 135 की मोटी है। अब मैं क्रैंक अगर चेंज करूँगा, तो पता लगा कि क्रैंक में जो 135 के क्रैंक में जो बैरिंग लगा है वो 6305 है, और मेरी गाड़ी में 6304 है। मैंने कहा फिर हाउसिंग भी मॉडिफाई करना पड़ जाएगा, तो ये तो पंगा बहुत लंबा हो रहा है, क्या किया जाए। तो फिर मेरे दिमाग की बत्ती जली, तो मैंने एक काम किया, मैंने क्या करता हूँ कि जो कनेक्टिंग की मेन पिन हैगी 135 के कनेक्टिंग की, इसको 100 के साइज़ का बना देता हूँ। अब हुआ क्या कि जब मैं 135 की कनेक्टिंग के लिए 100 का बनाने को चला, तो ये पता लगा कि इसके अंदर एक नीडल बैरिंग भी चलता है, तो जो भी मैं इसके अंदर स्लीव ठोकूंगा वो बहुत ही हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि अगर नॉर्मल MS की स्लीव लगा दूंगा तो उसकी चटनी बन जाएगी इंजन के अंदर। तो फिर मैंने क्या सोचा कि ट्रक का एक्सल बहुत अच्छा कार्बन स्टील है, एक्चुअली वो हाई कार्बन स्टील होता है और काफ़ी टेम्पर्ड भी होता है, मतलब हार्डन भी होता है, तो मैं उसका बना लेता हूँ। तो जब मैंने लेथ मशीन पे उसको अपनी चढ़ाया, तो देखा कि भैया वो तो ज़रूरत से ज़्यादा ही हार्ड है, क्योंकि 0.25 mm का ही कट जा रहा है, उससे ज़्यादा जा ही नहीं रहा है। फिर मैंने कहा चलो कोई बात नहीं, मशीनिंग करते हैं तो करते हैं। अब भैया मैं करने चला, तो करते 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 उसमें करीब 36 पास करे मैंने, उसके बाद मैं वो बना पाया हूँ और मैंने वो बुश भी बना दिया। अब जो एक्सेल है उसके अंदर मैंने ड्रिल चलाया, तो मैं आपको बता दूँ जो भी हार्डन शाफ्ट होती है वो सिर्फ आउटर सरफेस पे हार्ड होती है, अंदर से नहीं होती, क्योंकि जब भी इसको हीट ट्रीटेड किया जाता है तो वो सिर्फ आउटर सरफेस पे हीट ट्रीटमेंट हो पाता है। और इस एक्सेल के केस में 5 mm जो आउटर लेयर थी थिकनेस में वो हार्डन थी, और अंदर की थोड़ी सॉफ्ट थी, लेकिन उतनी भी सॉफ्ट नहीं थी, अंदर वाली भी अच्छी खासी हार्ड थी। मेरी ड्रिल की 2-3 बार बैंड बजी है, लेकिन उसने एटलीस्ट उसको कट लगा दिया। तो ये कनेक्टिंग जो रखे हुए हैं, इसमें आप दोनों में फ़र्क देख सकते हो कि दोनों में कितना फ़र्क है। तो आगे का वीडियो देखिए आप लोग, आपको सब समझ आएगा कि ये सब मैंने कैसे किया है। का स्टील है क्या, मक्खन की तरह छिल रहा है डायमंड वर्क, हार्ड बहुत है लेकिन छिल रहा है। तो लो भाई, बुश गया है बन, जो स्लीव हमने स्पेसर इसके अंदर ठोकना है तो वो बन गया है तैयार। और 1 mm के 15वें हिस्से तक की टाइटनेस है इसमें, और ये है कि अपनी इस पे बैरिंग पे ये लग गया है। अब इसको इसके अंदर ठोकने के बाद अपने को अंदर वाला साइज़ ये वाला मिल जाएगा, तो फिर ये वाला कनेक्टिंग इस क्रैंक में लग जाएगा। तो अभी 100 cc के पिस्टन की जो गजन पिन है वो पतली है और 135 की मोटी है, तो अब हम 135 का पिस्टन 100 cc की क्रैंक में लगा पाएंगे। भाई साहब मैं बता दूं आपको, ये आप देख रहे हो, ये फोकस हो जाए, हाँ
ये जो आप देख रहे हो ना, ये लेयर्स दिख रही हैं, ये इतने पास इस पे चले हैं क्योंकि 0.25 mm यानी 0.25 mm का ही एक पास जा रहा था और मेरे को इसको यहाँ से लेके यहाँ तक डाउन करना था। तो मैं बता दूँ आपको, ये है टोटल ओडी जो है इसका 39, मतलब 40 mm का एक्सल है, और इसको मैं छील के लाया 31 mm तक, यानी कि 1 mm के चार पास, समझ रहे हो। तो 4 9 36, इस पर 36 पास चले हैं। तो ये कुछ आपको झेलना पड़ सकता है अगर आप गाड़ी को मॉडिफाई कर रहे हैं, खासकर इंजन को। और मैं को इसी मटेरियल का ये बनाना था क्योंकि इसके अंदर जो चलना है वो है ये बैरिंग, और ये बैरिंग की नीडल हाई कार्बन स्टील की हैं, तो ये इस पे ही चलेंगी। अगर ये स्लीव, ये बुश मैं MS का बना देता तो इस बुश की चटनी बन जाती इंजन के अंदर, और मेरे को इंजन दोबारा मुश्किल से 3-4 दिन के अंदर ही खोलना पड़ जाता। तो मैं वो चाहता नहीं था, इसलिए मैंने इतना हार्ड लोहा लिया बनाने के लिए। तो अब मैं रात में क्या करने वाला हूँ, ये जो बुश है इसको मैं रात में अपने फ्रिज में रखने वाला हूँ। उससे क्या होगा, ये ठंडा हो जाएगा, ठंडा हो के ये सिकुड़ जाएगा, श्रिंक हो के ये इसके अंदर आराम से बैठ जाएगा। तो मैं सुबह इसको ठंडा फ्रिज से निकाल के इसमें डाल के देखूँगा कि ऐसे ही जा रहा है क्या। अगर नहीं जा रहा है तो फिर मैं कनेक्टिंग को, इस कनेक्टिंग को हीट करूँगा और ये ठंडा रहेगा, तो ये एक दूसरे में ऐसे ही चला जाएगा। क्योंकि ये अभी थोड़ा सा इसमें मामूली सा हल्का सा ढीला है, बहुत हल्की सी मैंने प्ले दी है, बहुत हल्की सी प्ले दी है, क्योंकि अब ये जो पिन इसमें से निकलेगी अब ओवरसाइज़ की पिन लगेगी, क्योंकि एक बार पिन इस क्रैंक में से निकल जाती है तो क्रैंक लूज़ हो जाती है। अगर आप यही पिन इस क्रैंक में दोबारा फिट करोगे तो ये इसमें थोड़ी ढीली हो जाएगी और फिर ये अनबैलेंस होने का डर बढ़ जाता है, इसलिए ये पिन भी थोड़ी मोटी लगेगी और ये बैरिंग भी थोड़ा सा ओवरसाइज हो जाएगा, तो ये बुश के अंदर टाइट आएगी, बल्कि इसके अंदर हमको रीमर करना पड़ेगा, हल्का सा रेतमाल से या सैंड पेपर से इसको अंदर से पॉलिश करना पड़ेगा, तब जाके इसमें अच्छा फिट आएगा। तो चले इसको हम फ्रिज में रखते हैं। ये रहा कनेक्टिंग, सुबह हो गई है और वो रिंग अभी भी फ्रिज में रखा हुआ है, तो वो मे बी शायद श्रिंक हो गया होगा, तो लेकिन मैं कोई चांस नहीं लेना चाहता, इसलिए मैं इसको थोड़ा सा हीट कर रहा हूँ। तो हीट करके क्या होगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा, ये एक्सपेंड हो जाएगा, वो श्रिंक है, इसके अंदर आराम से चला जाएगा। तो इसको गर्म करते हैं, इसको गर्म करते हैं।
रिंग आ गया है, ये रहा रिंग, काफ़ी ठंडा है ये अभी, थोड़ा सा और हीट कर देते हैं। वैसे तो ये इसके अंदर गिर जाना चाहिए अपने आप, नहीं गिरा चाहिए, मैंने बैकअप किया थोड़ा और वो सब रखा हुआ। एकदम ठंडा है, इसको बर्फ जमी हुई है। नाइस, शानदार फिट आया है। अगर मैं इसको ठंडा इसको गर्म नहीं करता तो मुझे नहीं लगता इसके अंदर घुसने वाला भी था। आई होप ये अच्छा काम करेगा। तो अब इसकी मशीनिंग करता हूँ, तब तक के लिए बाय। ये देखो, इसे बोलते हैं मशीनिंग। क्या परफेक्ट बुश बना है, देखो यहाँ से ना ऊंचा है ना यहाँ से ऊंचा है। और ये 135 का कनेक्टिंग है, अब ये तैयार है 100cc की कनेक्टिंग में फिट, क्रैंक में फिट होने के लिए। और वैसे मैं बता दूँ, मैं मैकेनिकल इंजीनियरिंग का स्टूडेंट भी हूँ, मैकेनिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई भी कर रहा हूँ और मैकेनिकल से डिप्लोमा भी कर चुका हूँ मैं पहले, जिसे लोग पॉलीटेक्निक भी बोलते हैं, वो भी किया हुआ है मैंने। बस अब करते हैं शुरू फिटिंग। बस मेरे को ये कुछ नॉचेस बनाने हैं यहाँ पे ऑयल सप्लाई के लिए, क्योंकि ये ऊपर से बहता हुआ आता है तेल और इसके अंदर जाता है, अगर ये मैंने नहीं खोला तो यहाँ प्रॉब्लम खड़ी हो सकती है। चलिए करते हैं काम शुरू। लो जी, 100cc डिस्कवर में फिट हो गया है 135 पल्सर का हेड और पिस्टन। और अब हम इसका सिलेंडर हेड लगाएंगे, देख लो ये चार वाल वाला पिस्टन है और ब्लॉक है का। अब मेरे को ब्लैक कलर का मिला नहीं तो मैं सिल्वर ही लगा रहा हूँ। इस पर लगाएंगे सिलेंडर हेड। लो भाई, सिलेंडर हेड लग गया है, चार वाल वाला सिलेंडर हेड लग गया है, दो वाली हैं और दो वाली हैं, लग चुका है। थोड़ा सा काम और बचा है वो लगा के, ये मैनिफोल्ड शायद मेरे को मॉडिफाई करना पड़ेगा। और अभी ये वाला टाइमिंग गियर लगा के देखते हैं क्या होता है। तो असेंबली का काम अभी यहीं रुक गया है, क्योंकि ये जो टाइमिंग चेन है 100 की, ये छोटी पड़ गई है, तो कल रात हो गई है, अभी ये मुड़ेगी नहीं। अब कल सुबह पल्सर 135 के लेके आऊँगा और इस पर लगाऊँगा, तब तक के लिए काम रुक गया है। लो भाई, गाड़ी अपनी हो गई स्टार्ट, ठीक है स्टार्ट होगी। मैं स्टार्ट करके वीडियो इसलिए नहीं बना सकता क्योंकि मैंने अभी स्टार्ट करी थी। और ये देखो नीचे क्या हुआ है, ये देखो यहाँ पर क्या हुआ है, ये पूरे में ऑयल उड़ा रही है। हाँ जाहिर सी बात है, टेपिट कवर खुला हुआ तो ऑयल तो उठाएगी। बाकी मैं हल्की सी किक मार के आपको दिखा देता हूँ कि ये काम, अरे फोकस हो जाए यार। ये देखो बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं, ये देखो। अब मैं इसका टेपिट कवर लगा रहा हूँ और फिर चला के दिखाता हूँ।
लो भाई टेपेट कवर लगा दिया है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। टंकी नहीं लगी है लेकिन कार्बोरेटर में भी फिलहाल इतना पेट्रोल है कि चालू हो सकती है। कमाल है, बढ़िया स्टार्ट हुई। बस ट्यूनिंग कर दूँ अभी थोड़ी सी। लो भाई टेपेट कवर लगा दिया है, अब इसको स्टार्ट करते हैं। टंकी नहीं लगी है लेकिन कार्बोरेटर में भी फिलहाल इतना पेट्रोल है कि चालू हो सकती है। कमाल है, बढ़िया स्टार्ट हुई। बस ट्यूनिंग कर दूँ अभी थोड़ी सी। लो भाई फाइनली गाड़ी पूरी असेंबल हो गई है, तो मैं अभी स्टार्ट करके दिखाता हूँ कि कैसी होती है स्टार्ट। एक्चुअली क्या मेरे फोन बैटरी डाउन है कि गाड़ी की। ज़बरदस्त एक्सेलरेशन है, ज़बरदस्त। चलो फिर बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का ये वीडियो देखने के लिए, और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसको लाइक कर देना, और शायद मेरा चैनल अच्छा लगे तो चैनल सब्सक्राइब कर देना। ऐसा कुछ है नहीं पर कंपलसरी तो नहीं है, पर मेरे लिए थोड़ा मोटिवेशन रहता है। वैसे भी मैंने वीडियो काफ़ी दिनों बाद डाला है। एक्चुअली क्या दिन भर बिजी रहता हूँ, काम वाम रहता है। ये तो छोटे मोटे काम मैं अपने शौक़ के लिए करता हूँ, पर मैं बड़ी मशीनों का काम करता हूँ एक्चुअली, जेसीबी वगैरह का। ये तो मेरे शौक़ है तो मैं शौक़ से लगा हूँ। बाकी देख लीजिएगा आपको जैसा अच्छा लगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग।